देवी भागवत में लिखा है आपने नया मकान बनाया है और आपने नई दुकान बनाई है, तो उसमें इस समिधा लकड़ी के साथ आप समी की लकड़ी जरूर प्रयोग कीजिए। समी की लकड़ी को वरदान है, किसी का जादू टोना उटका टोटका कोई भी प्रभाव नहीं करता। पीपल की लकड़ी थोड़ी रख करके वो आरोग्यता देती है, निरोगता देती है। तो इन समिधाओं के अपने बड़े प्रभाव हैं। अग्नि देव ही यज्ञ के प्रधान अंग है, कितनी अच्छी बात कही है। अग्नि देव ही यज्ञ के प्रधान अंग हैं। अग्नि देव को ब्राह्मणों का ही नहीं चारों वर्णों का गुरु माना गया है। ब्राह्मण तो बहुत मानता है अग्नि को, ब्राह्मण की पूर्णता ही नहीं है यदि वह अग्निहोत्रीय न हो, हवन न करे, यज्ञ न करे। विशेष रूप से अग्नि भगवान को ब्राह्मण का गुरु कहा गया है। यह तो अग्नि भगवान चारों वर्णों के गुरु हैं, चारों वर्णों के गुरु हैं भगवान अग्नि देवता। इनके बिना तो कोई काम ही कहाँ होता है। इनका तो नित्य का वंदन, नित्य का प्रणाम होना चाहिए। क्या सुंदर बात कही है, अग्नि देव ब्राह्मणों के तो गुरु हैं ही, लेकिन वो और भी तीनों वर्णों के गुरु माने गए हैं। अग्नि नारायण पितर प्रसन्न हो जाते हैं अंगारे के ऊपर। गैया के गोबर का उपला हो, उस पर एक चम्मच घी डालें, फिर उस पर आग स्फुट करें, उसके बाद उस पर डाल दें आहुति। और पहले ऐसा ही होता था, जब से चूल्हा बंद हुआ तब से सगरा चौपटी हो गया। पहले माताएं, अरे घर में माचिस तो होती नहीं थी, घर में आग बुझ जाती थी तो बगल में पड़ोस की चाची के यहाँ से आग अंगारा लेके आते थे। वो एक नया आनंद था। घर में कोई मेहमान आता था तो बिलिया ले जाए के कटोरिया, बगल में थे बूरो ले आओ, और न कहो ऐसा ढक्के ले आओ, सामने वाले तो पतो ही नहीं पड़े। वो आनंद था। घर में माताजी चली जाती अपने पियर मामा के यहाँ, तो एक कटोरा चून आटो बगल भाई ताई के घर दे आओ, वो बढ़िया सी रोटी बनाई देती। आ तो अपने लड़का बच्चन को बनाए हुए में आपते, वो ताई हम लोगों के काजे बनाए देती। परोस की अति चार पांच घर छोड़ के बताई की तो आजू सुत्य आवे वो बना देती। क्यों, घर में माँ अकेली थी, देवरानी जेठानी तो कोई थी नहीं। तो जब वो जावे वहां अपने पियर मायके में जावे, तो अब कहा करें, अब चूल्हो जलावे तो हाथी पाए पजाल ले, अब कहा कैसो कहा हुए, तो ताई बनाए दे अगल बगल में। वो गांव में तो जितने वो पिताजी से जितने वो बड़े थे, वो बिनकी घरवाई वो सिर्फ ताई ही लगती। आ तो लोगों ने अपनी ताई थे, ताई कहवे में शर्म लगे हैं। पिताजी थे वो जितने वो छोटे होते हैं बिनके सिगन की घरवाई वो सिगरी चाची लगती गांव की, सिगरी चाची झाड़ू लगाए हुए आए, पत्थरे उठाए हुए आए, बिनू की घरवाइन थे, हम तो चाची ही कहते हैं। आज तो अपनी चाची थे, चाची कहवे में दिक्कत आवे। सही में आनंद भरो जीवन तो वो है। तो आज ये कागज के टुकड़ा कहा है, आदमी तो सन्नगन है वो थूतरा उठाए के ऊपर चले है? गिरे तो दुर्योधन की तरह गिर जाए, घुटना फूट जाए, पर थूतरो चले गो उठाए गई। ऐसे कहा पैसा के पतगुआ आए के चौपटवी है गो बिल्कुल, सिगरे स्नेह प्रेम सब उड़े उड़ाए गए चले गए सब। ये लड़का बच्चन को जैसे ही जन्म भयो, भैया भैया के संग बैठबो भूल गए, अपाइन के संग बैठबो भूल गए। अब तो बेचार दुबक दुबक के जय भैया ते मिलवे कहूँ घरवाई है पतो नहीं लगे जे, नहीं तो फूकन, अब तो फूकन ही उनाए रही, वो तो कछु और ही उठावे मारवे के काजे। और ये सगरी बातें आज घटित है नहीं है। ये वो आनंद था उस समय का, घर में चूल्हे में आग बज गई, राख में दबाए देते अंगारो। तुमने दबा होगा जो पकी पकाई दादी बैठी है जिन्हें सिख पतो होगा, और कहूँ वो बुझ जाए तो बगल में तो लेके आ जाओ, बड़ो आनंद होता, इतना आनंद होता। बाद जमाने में कोई कहता ही नहीं था कि हमारे पेट में गैस, ये गैस तो तब थे जब सिलेंडर चले तब, जितनों फूलो सिलेंडर बातें ज्यादा पेट फूलेगो लोगन को। चूल्हे की रोटी थी, सिगरे काम देसी थे,
जे हसत वही मैयन के फोटो ले ले लला ले ले। बोलो भांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देखो आप जहाँ आईडी पे लिख दे तो राम राम ताई कितनो अच्छो लगे, यो लगे के मुंह में मुरब्बा आएगो राम राम ताई। ये भैया लोग लिखते हैं बहुत अच्छो लगे पढ़ के। तो अग्नि देवता का आदर करो, बहुत मान करो। नित्य अग्नि देवता का तो दर्शन तब होगा जब रोज दिए जलाएंगे, रोजाना चूल्हा जलाएंगे। यो ना है कि आज एतवार है, आज तो घर में चूल्हो से लगेगो ही ना, आज तो बाहर को पता नहीं आदमी है कहा है गो, बिने घर को मलूक ना लगे, बिने बाहरी को मलूक लगे। भले ही बसड़ो हो बसो हो, वो भले ही वो बुलबुला ऊंट की तारे मुंह में जर्दा भर बाबा 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 बा, भले ही वो बूंदे टपका रहा हो उसमें मुंह में थे होट में थे, वो टपके ही वो ना रुके कैसे। और जिन्हें बड़ो वो अच्छो लगे भाई खाइबे में, अरे भैया अग्नि देव अति वंदनीय है, बहुत प्रणाम को लायक है। अग्नि देव जैसे अंधकार को मिटाने वाले सूर्य हैं, उसी प्रकार से पापों को मिटाने वाले जलाने वाले भगवान अग्नि नारायण। घर में 5 दिन 8 दिन 15 25 दिन महीना जब भी जैसे मौका मिले अपने परिवार को हवन यज्ञ से जरूर जोड़िएगा। देखो ये द्वय महाराज जी कितने मलुक तैयार से कथा सुन रहे हैं, ये हमारा तो भाग्य है। आनंद ना आवे जब संत सुने, संतन हो तो जगत में जर जातो संसार।